अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों जो कहा जा रहा है पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं जो कि कुवैत से भी ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए खबर की तरफ चलते हैं। तो खबर ये थी कि एक्जन मोबिल जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने पाक ईरान बॉर्डर के करीब तेल के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं जो कि कुवैत के तेल के ज़खायर से भी ज्यादा हैं। ये खबर सुन के खुशी तो बहुत होती है क्योंकि कुवैत के जो तेल के ज़खायर हैं वो दुनिया के तकरीबन 8% बनते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया का जो 8% तेल है वो कुवैत में पाया जाता है, लेकिन किसी भी सही जराये से इस खबर की तस्दीक नहीं हो रही थी और ना ही एक्जॉन मोबिल ने कोई इसका स्टेटमेंट जारी किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा अब्दुल्ला हुसैन हारून ने इस बात की तस्दीक की है एक मकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि एक्जन मोबिल जो एक अमेरिकन कंपनी है और ईएनआई जो एक इटली की कंपनी है, इन दोनों की ड्रिलिंग से इस बात के शवाहिद मिले हैं कि वहां पर तेल जो इतना तेल मौजूद है कि वो कुवैत के तेल के ज़खायर से भी ज्यादा है। तो अभी तक सिर्फ उनको शवाहिद ही मिले हैं, इतने तेल नहीं मिला कि कहा जा सके वहां से तेल निकलना शुरू हो गया है। तो अभी उसमें काफी टाइम लगेगा, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सब कंपनीज मिलकर वहां से तेल निकालना शुरू कर दें ताकि पाकिस्तान के मुल्की हालात बेहतर हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।